नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। साबुन जिसे हर कोई इस्तेमाल करता होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कि साबुन लाल हो या नीला, उसका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है? साबुन लगाने के बाद उसका रंग कहाँ गायब हो जाता है? ये ऐसे सवाल हैं जो शायद ही कभी जहन में आए हों, लेकिन क्या इनके जवाब जानते हैं? झाग का रंग सफेद क्यों होता है? इसका जवाब जानने के लिए अपने स्कूल की साइंस क्लास याद करिए, जिसमें बड़े सिंपल अंदाज में बताया गया था कि किसी वस्तु का अपना रंग नहीं होता है। वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वह बाकी रंग को एब्जॉर्ब कर जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है वही उसका रंग होता है। वही नियम कहता है कि जब कोई वस्तु सभी रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है, जब कोई वस्तु सभी रंग को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो सफेद दिखाई देती है। यही नियम साबुन के झाग पर भी लागू होता है। साबुन का झाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है, ये सबसे छोटी पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है। ये पतली फिल्म जब गोल आकार ले लेती है तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग छोटे छोटे बुलबुलों का समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में सूर्य की किरणें जाते ही अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, यानी सूर्य की किरणें किसी एक दिशा में न जाने की बजाय अलग अलग दिशा में बिखर जाती हैं। यही वजह होती है कि साबुन का एक बुलबुला पारदर्शी सतरंगी जैसा दिखाई देता है। आसमान का रंग भी सफेद दिखने की यही वजह है। झाग बनाने वाले छोटे छोटे बुलबुले भी इसी तरह के सतरंगी पारदर्शी बुलबुलों से बने होते हैं, लेकिन ये इतने बारीक होते हैं कि हम सातों रंग को नहीं देख पाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रकाश इतनी तेजी से घूमता है कि वो सभी रंग को परिवर्तित करता रहता है, यानी कोई वस्तु सभी रंग को परिवर्तित कर दे तो उसका रंग सफेद दिखाई देता है। इसी वजह से साबुन का रंग सफेद दिखाई देता है।